सेफ सिटीज़ के जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो आके कंसल्टेशन भी ले रहे हैं और उनकी न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग हो रही है जिसमें हम लोग उनका हाइट, उनकी वेट, उनका BMI और उससे रिलेटेड सारी न्यूट्रिशन जो गाइडलाइन है उनको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्होंने मुझे डाइट चार्ट बना के दी है, मुझे जूसेस की इनटेक का ज़्यादा कहा गया है। आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव क्योंकि 24/7 हमारी जॉब होती है तो हमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। हम ये डाइटरी गाइडलाइंस देना चाह रहे हैं आज से लोगों को कि आपकी फिजिकल हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इसके साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, आपको कौन से ऐसे कन्वीनियंस फूड लेने चाहिए जो कि आप अपने वर्क एफिशिएंसी को भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। ड्यूरिंग शिफ्ट हम अपनी फिटनेस को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, एक्सरसाइज के बारे में हमें गाइड किया गया, पानी इनटेक के बारे में बताया गया और एक फूड प्लान भी बना के दिया गया। ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छा इकदाम था जिसको हमने काफ़ी सराहा। ऑब्जर्वेशन की गई कि आपका बॉडी फैट, बॉडी वेट बहुत अनहेल्दी कंडीशन में बढ़ता जा रहा है, उसको आप कैसे क्योर कर सकते हैं, चिकनाई, चर्बी, चीनी, इन चीज़ों से आप परहेज़ कर सकते हैं। एज अ मदर मुझे किस तरह अपनी डाइट का ख्याल रखना है कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस मुझे करनी है, अपने ऑफिस में को लेकर अपने घर को लेकर मुझे किस तरह अपनी डाइट को मेनटेन करना है, इससे मतलब उन्होंने पूरा एक मुझे चार्ट फ्राहम किया गया है। मुझे एक मिथ थी कि शायद मैं डाइटिंग करके अपना वेट कम कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब ने बताया कि आप लोग दिन में 5 मील्स लें लेकिन ये चंक्स में फूड लें आके।